हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से जो है GTA Vice City की न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो इस बार जो है हम GTA Vice City का 21वां मिशन करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है 20वां मिशन कर लिया था। तो अब हम जो है GTA Vice City का 21वां मिशन करेंगे। तो यहां पे जो है देख सकते हो कि यहां पे पैसे वगैरह भी खुल चुके हैं मेरे, जो कि मेरे को पैसे मिलेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं मैप में। जो ये सी बना हुआ आ रहा है, ये जो कर्नल का मिशन है ये बना हुआ आ रहा है, तो ये करते हैं और देखते हैं क्या होता है फिर, क्योंकि अभी जो है सारे मिशन ख़त्म हो चुके हैं तो सिर्फ ये कर्नल वाला मिशन शो हो रहा है। तो अभी हम ये करेंगे, उसके बाद शायद टेलीफोन का मिशन करने पड़े हमें, वो जो टेलीफोन आपको मैप में शो हो रहा होगा। तो ये देखें गाड़ी, देखें आप, तो हमें जो है बोनस भी मिल चुका है, स्टंट बोनस। गाड़ी बहुत फास्ट है ये। तो अभी हम कर्नल के पास जाएंगे और देखते हैं क्या मिशन होता है। तो गाइस, आप जो है वीडियो को लाइक कर लिया करें। जो एक सब्सक्राइबर है हमारे, वो पूछ रहे थे कि हिडन पैकेजेस के बारे में वीडियो बनाओ, तो वह उसकी भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। हिडन पैकेजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं वो भी, उसकी भी पूरी की पूरी आपको वीडियो बनाकर मैं दिखा दूँगा, पर उसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होगी वो। तो इसलिए जो है उस पर भी मैं काम करूँगा, तो वो भी आपको जो है सारे GTA Vice City के हिडन पैकेजेस वगैरह आपको बता दूंगा कि उनकी लोकेशन किधर होती है और किधर आपको मिलेंगे, तो वो भी वीडियो आ जाएगी। तो गाइस, हम इधर पहुंच चुके हैं कर्नल के पास और पिंक डॉट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे जो है कर्नल बोलेगा, अच्छा हुआ टॉमी तुम आ गए, तुमसे एक काम था। फ्रेंच जो हैं वो जो है मिलिट्री मिज़ाइल टेक्नोलॉजी जो है वो लेना चाहते हैं मेरे से, तो इसलिए जो है मुझे गहरे समंदर में जाना है, पर वो सारे जो है रास्ता रोक के खड़े हुए हैं, तो हमें जो है उनको रास्ते से हटाना है ताकि मैं गहरे समंदर में चले जाऊं। तो इसलिए जो है मेरी शिप को जो है तुम्हें बचाना है। तो टॉमी बोलता है कि तुम्हारे पास हथियार हैं, तो इधर कर्नल बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारी गन है। तो टॉमी बोलता है कि चलो फिर देख लेते हैं उन सबको। तो यहाँ पर जो है हमारी शिप जैसे कि निकल ही रही है गहरे समंदर के लिए, तो यहाँ पे जो है फ्रेंच के लोग जो हैं वो पीछे लग जाएंगे। ये देखें फ्रेंच लोग पीछे लग चुके हैं हमारे, ये गाड़ियाँ भी आ चुकी हैं यहाँ पे, ये गाड़ियों से उतरेंगे और ये बोटों में बैठ जाएंगे और हमारा पीछा करेंगे। ये देख सकते हैं ये बोटें खड़ी हुई हैं। तो ये हमारे जो है कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, देखिए ये बोट में बैठ चुके हैं, तो इनको पहले टपका देते हैं। वो बोल रहा है कि पोर्ट के साइड है, पोर्ट के साइड, तो हम इनको मारते हैं। इसका ड्राइवर को भी मार दिया हमने। इस साइड से आ गए ये लोग, ये देखें कैसे कैसे बच रहे हैं मेरे लोग। तो इनको भी हमने मार दिया, अब कोई बचा तो नहीं है। जी हाँ, कोई बचा नहीं है। तो हमारी बोट जो है, ये शिप जो है हमारी आगे जा रही होती है, ये देख सकते हैं कि मेरी शिप, हमारी शिप जो आगे जा रही है, पर आगे जो इन्होंने ये सारा रास्ता रोक के रखा हुआ है, इस पर बंदे भी हैं गन वगैरह लेके खड़े हुए हैं। तो हमें जो है ये क्लियर कराना है कर्नल के लिए, ताकि कर्नल जो है गहरे समंदर में चली जाए इस ब्रिज के बाद से। तो इनको मारते हैं, ये बोट्स भी चल चुके हैं, ये हमारी तरफ आ रहे हैं, ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इनको टपकाते हैं। ये एक और बोट आ रही है पीछे से, वहाँ से भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे बंदे हैं यहाँ पे। किधर से मारूँ समझ नहीं आ रहा, तो इनको पहले टपका देता हूँ। जी ऊपर चढ़ रहे हैं, पहले वो और बंदे भी आ चुके हैं। हमें जो है ये शिप्स फाड़ कर हटानी है, शिप्स को खाली करना है, ताकि हमारी शिप जो है चले जाए उस साइड पे। ओ, इनके पास तो हेलीकॉप्टर भी है, हमें हेलीकॉप्टर को भी संभालना है। इधर से बंदे भी आ रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो हेलीकॉप्टर देखते हैं किधर हेलीकॉप्टर, ये इधर हेलीकॉप्टर आ गया, इसको फाड़ना है हमारे को। तो ये क्या हेलीकॉप्टर के तो बंदे नीचे गिर रहे हैं।
हमें हेलीकॉप्टर को शूट करना है। वो काफ़ी बंदे होते हैं अपने भाई हेलीकॉप्टर में से, बस मेरे बंदे नहीं मरने चाहिए यार। अगर ये मर गए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। तो अभी फिर से इंतज़ार करते हैं हेलीकॉप्टर के आने का। ये आ गए, वो हेलीकॉप्टर फाड़ दिया। ये हेलीकॉप्टर एक फट चुका है, देख सकते हैं आप गाइस। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बचा है, इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो पहले चिट से जो है अपनी हेल्थ बढ़ा लेता हूँ। तो काफ़ी मुश्किल हो गया हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे उतर रहे हैं। यहाँ पे मेरा जो है एक बंदा मर भी गया, बल्कि दो बंदे मेरे जो है मर गए हैं बहुत। तो मेरे को ये जगह खाली करानी है, पर ये जो है पहले बंदे आ जाते हैं इधर जगह खाली करने से पहले। गन भी ले ली मैंने, तो ये ऊपर से हेलीकॉप्टर एक बचा है, इसको ख़त्म करते हैं यार। ये रास्ता साफ करने नहीं दे रहे हमें अभी तक। तो ये देख सकते हैं आप, मैं जो है बोट फाड़ रहा हूँ ताकि रास्ता साफ हो और हमारी शिप जो है निकल जाए घेरे समंदर के लिए। ये जो रास्ता रोक के खड़े हुए हैं, तो मैंने दो फाड़ दिए हैं। ये देखें, मेरा एक ही बंदा बचा है सिर्फ, और एक ही कर्नल बचा, एक बंदा बचा। साथ साथ मैं अपनी हेल्थ भी बढ़ाए जा रहा हूँ चिट से। आग नहीं लग रही, तो ये फाड़ चुकी है ये भी। दूसरी वाली शिप भी फाड़ देता हूँ। तो ये हेलीकॉप्टर फिर से आ गया, तो अभी इसको फाड़ ही देता हूँ। गाइस जैसा कि देख सकते हो, उसमें आग भी लग चुकी है हेलीकॉप्टर में, और वो हेलीकॉप्टर फट गया। तो ये देखें, ये जो इनका फाइटर हेलीकॉप्टर आ चुका है फ्रेंच का, तो अब इसको भी हमें तबाह करना है। पहले गन ले लेते हैं। ये देखिए, ये रहा वो हेलीकॉप्टर, इसको जो है फायर करते हैं इसके ऊपर, इसको तबाह कर देते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पायलट ही गिरा दूँ नीचे, पर शायद उसको गोलियाँ लग नहीं रही हैं। फायर कर रहा हूँ मैं इस पर आग लगनी चाहिए, और ये आग लग चुकी है। तो ये फटने वाला ही, देखें ये फाड़ दिया है मैंने हेलीकॉप्टर, वो सामने से रास्ता भी मैंने क्लियर कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो। तो यहाँ से जो है कर्नल की बोट आराम से जो है ये शिप जो है जा सकती है घेरे समंदर में। अब इन्हें कोई मसला नहीं है, क्योंकि सारा रास्ता हमने साफ करवा दिया है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं कि ये बोट जा रही है। तो यहाँ पे जो है कर्नल हमारा जो है शुक्रिया अदा करता है कि तुमने टॉमी बहुत अच्छा काम किया है, ये मेरी एक बोट है, बहुत अच्छी बोट है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम ये लेकर चले जाओ अपने घर, मैं जो है तुमसे आके मिलूँगा। मैं जा रहा हूँ घेरे समंदर में बहुत दूर, मैं तुमसे आके मिलूँगा, और मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी बेटी मर्सिडीज़ का ख्याल रखना। तो टॉमी बोलता है कि वो बहुत बड़ी हो चुकी है, वो अब अपना ख्याल खुद भी रख सकती है। तो ये बोलता है कि उसके ख्याल रखना तुम, तो चलो बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है टॉमी चले गया है। तो ये हमें जो है मिशन पास हो चुका है, और हमारे को जो है $5,000 मिल चुके हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम अपने घर की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे हम सेव करवा लेंगे अपना गेम, ताकि जो है आने वाली वीडियोस में जो है हम यहीं से मैच स्टार्ट करें और अपना जो है 22वां मिशन भी शुरू कर दें। फ़िलहाल अभी तो कोई मिशन मैप में शो नहीं हो रहा, बाकी टेलीफोन वाला शायद हमें करना पड़े अगली वीडियो में। तो चलें गाइस, यहाँ पे मैं अपनी शिप पार्क कर देता हूँ। तो आप गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें। और हिडन पैकेजेस की भी वीडियो में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ,
क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं वो पूछ रहे थे, तो हिडन पैकेजेस जो उनकी लोकेशन वगैरह है उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा और वो भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी, पर वीडियो काफ़ी लंबी होगी वो, तो इसलिए जो थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें, बहरहाल वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो चलें गाइस, मैं इधर सेव करवा लेता हूँ अंदर जाके अपने घर में। तो गाइस अगली वीडियो में जो एक नए मिशन के साथ मिलेंगे, तो अभी जो है मैप में तो कोई वैसा मिशन शो नहीं हो रहा, बहरहाल नए मिशन जो है ये टेलीफोन वाले, ये ढांचा जो बना हुआ आ रहा है ये मिशन शो होंगे, और प्रॉपर्टी भी मैं खरीदूंगा तो उसके भी मिशन होंगे, तो वो भी वीडियो आपको जो है आने वाली वीडियोस में नज़र आ जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं जो है यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ, तो गाइस वीडियो देखने का शुक्रिया।